गुड मॉर्निंग बच्चों, अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकालिए। आज हम लोग एक राइम सीखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर देखिए तिरंगा, हम लोग तिरंगा का राइम सीखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, यस अपनी बुक निकालिए और देखिए। तीन रंग का प्यारा झंडा, तीन रंग का प्यारा झंडा, लहर लहर लहराए झंडा, लहर लहर लहराए झंडा, आओ इसको शीश झुकाए, आओ इसको शीश झुकाए, जन गण मन का गाना गाए। ठीक है बच्चों, जन गण मन का गाना गाए। फिर से रिपीट करते हैं। ठीक है, तीन रंग का अपना झंडा, लहर लहर लहराए झंडा, आओ इसको शीश झुकाए, जनगण मन का गाना गाए। ठीक है बच्चों, तो ये राइम आप सीख लीजिए। ओके, अभी देखते हैं आज का हमारा अक्षर कौन सा है। तो हमने अभी तक तो छोटा ज सीखा था, अभी झ, अभी सीखने वाले हैं झ। झ से झरोका, झ से झरोका, झ से झरना, झ से झरोका, झ से झरना। ठीक है, तो अभी एक बार रिवाइज करते हैं। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईक, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, रू से ऋषि, ए से एडी, आई से ऐनक, ऊ से ओगली, औ से औरत, अन से अंडा, अहा। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, न। च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झंडा। ठीक है बच्चों, तो अभी देखते हैं झ कैसे लिखते हैं। देखिए बोर्ड पर एक छोटा सा स्टैंडिंग लाइन बनाइए, फर्स्ट ब्लू लाइन से, फर्स्ट ब्लू लाइन से छोटा सा स्टैंडिंग लाइन बनाइए और एक छोटा सा कर्व दीजिए, उसको नीचे घुमाइए। जैसे हमने ई सीखा था ना वैसे लिखना है, जैसे ई सीखा था ना ऐसे। और यहाँ ब्लू लाइन, सेकेंड ब्लू लाइन से एक स्लीपिंग लाइन देते, एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए और ऊपर से स्लीपिंग लाइन दीजिए। तो ये हो गया झ। ठीक है बच्चों, फिर से देखिए, पहले तो छोटी ई बना लीजिए। ठीक है, यहाँ तक तो आपने सीखा है। उसके बाद यहाँ से छोटा सा स्लीपिंग लाइन देना है सेकेंड ब्लू लाइन के ऊपर, और स्टैंडिंग लाइन बनाना है और ऊपर स्लीपिंग लाइन। ये हो गया झ। ठीक है बच्चों, झ से झरोका, झ से झरना, झ से झंडा, झ से झाड़ू। ठीक है बच्चों, ठीक है, पहले छोटी ई बनेगी और इस तरह स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ऊपर से स्लीपिंग लाइन। तो यह हो गया झ। ठीक है, तो आप लोग लिखना प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसे लिखकर अपनी वर्कबुक और अपनी नोटबुक में लिखकर मुझे व्हाट्सएप में डालिए। ठीक है, धन्यवाद।